हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बनाना का ट्रेड करना चाहते हैं, बनाना को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कौन से देशों में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किन देशों में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों, सबसे ज़रूरी क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपना प्रोडक्ट कौन से देश में एक्सपोर्ट करना है। देखिए, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में क्या होता है कि भैया प्रोडक्ट तो किसी भी देश में एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन क्या उस प्रोडक्ट में आपको मार्जिन मिलेगा, क्या वो प्रॉफिट जो आप एक्सपेक्ट करते हैं क्या वो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के ज़रिए, हमारे चैनल के ज़रिए हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे बिजनेस और ऐसी कंट्रीज़ के बारे में लगातार इन्फॉर्मेशन देते रहें। और अगर आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है तो स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा होगा, 9319001248 पे कॉल करिए और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लीजिए। चलिए बात करते हैं, ऐसे कौन से देश हैं जहां पे मैं बनाना एक्सपोर्ट करके अच्छा प्रॉफिट, अच्छा मुनाफा कमा सकता हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं 10th पोजिशन की। 10th पोजिशन पे है साउथ कोरिया। दोस्तों, साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पे आप बनाना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप बनाना के अलावा भी सोचते हैं, समझते हैं कि एक्सपोर्ट करना है, किसी और प्रोडक्ट में डील करते हैं, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि मैंने बायर को एक प्रोडक्ट दिखाया, उसे समझ नहीं आया या फिर डील नहीं हुई, तो मैं बायर को एक ऑफर कर देता हूं कि यार, अगर आप बनाना में डील नहीं हुई तो क्या कोई और प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो अगर आप बनाना के अलावा कॉर्न में डील करते हैं, सोयाबीन में डील करते हैं, ग्रेप्स, अंगूर में डील करते हैं या कोकोनट में डील करते हैं, तो आप इन प्रोडक्ट्स को भी साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके सामने नए नए प्रोडक्ट्स लेके आऊं, ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताऊं और ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसमें, ऐसे बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट कम लगती है उनके बारे में बताऊं। चलिए बात करते हैं इसके बाद 9th पोजीशन की, और 9th पोजीशन पे है इराक। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं मना करूंगा कि इराक, ईरान, यमन में अभी आप एक्सपोर्ट की तरफ ना जाएं, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसा कौन सा देश है जो बनाना को सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कराता है। तो ईरान एक ऐसी कंट्री है कि जहां पे आप बनाना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बनाना के अलावा अगर आप सनफ्लावर सीड्स में डील करते हैं तो भी आप ईरान को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप राइस में डील करते हैं तो भी ईरान को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वीट में डील करते हैं तो भी आप ईरान को टारगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मैदे में डील करते हैं तो भी आप ईरान को टारगेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जितनी भी हमारी ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मैदे की खपत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग जैसे खमीरी रोटी खाते हैं तो ज़्यादातर मैदे का यूज़ किया जाता है। मैदे से बनी हुई डिशेस वहाँ के लोगों को बहुत अच्छी लगती है, तो मैदा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब 8th पोजीशन की। 8th पोजीशन पे है मालदीव्स, जहाँ पे आप बनाना यानी केला एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका फ्लेवर्ड वाटर का बिजनेस है तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपका टी और स्पाइसेस का बिजनेस है तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप राइस में डील करना चाहते हैं तो मालदीव आपके लिए एक बहुत ही अच्छा देश रहेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं 7th पोजीशन की, और 7th पोजीशन पे है बहरीन, जहां पे आप कोकोनट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पास्ता भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चॉकलेट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मीट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बियर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ बनाना ही एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो बनाना भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 6th पोजीशन की। 6th पोजीशन पे है कतर। कतर में आप
दोस्तों बनाना के अलावा, बनाना तो एक्सपोर्ट होता ही होता है, अगर आप पास्ता में डील करना चाहते हैं तो पास्ता भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा एक सजेशन है, पास्ता वर्ल्ड वाइड एक बहुत अच्छा फूड बन चुका है, तकरीबन हर देश में ये आज की डेट में एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप पास्ता में डील करना चाहते हैं तो पास्ता में डील कर सकते हैं, राइस में डील करना चाहते हैं यानी राइस को कतर में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो राइस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अनियन प्याज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्याज को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मसालों में स्पाइसेस में डील करते हैं तो स्पाइसेस को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिफ्थ पोजीशन पे है कुवैत, जहां पे आप बनाना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, केले की यहां भी बहुत अच्छी डिमांड है, इसके अलावा फ्रूट्स की बहुत अच्छी डिमांड है, टोमेटोज टमाटर की बहुत अच्छी डिमांड है, आलू की बहुत अच्छी डिमांड है, मसालों की बहुत अच्छी डिमांड है। तो अगर आप इनमें भी डील करना चाहते हैं तो आप कुवैत का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, एक अच्छा देश है, आपको अच्छे प्रॉफिट मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ पोजीशन की, और फोर्थ पोजीशन पे है ईरान। ईरान में आप कॉर्न एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सोयाबीन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ग्रेप्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बनाना भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे देश, बट अगली कंट्री के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, चाहे तो ऑफलाइन ले सकते हैं जिसमें हम हॉस्टल फैसिलिटी भी देते हैं, रहने खाने की व्यवस्था आपकी यहीं की जाती है, और चाहे तो घर बैठ के लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो लाइव ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना चाहते हैं, बायर कैसे मिलेगा ये जानना चाहते हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन जानना चाहते हैं, लॉजिस्टिक और शिपिंग जानना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उठाइए अपना मोबाइल फ़ोन और कॉल करें 9319001248 पर और रजिस्ट्रेशन कराइए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन यानी थर्ड पोजीशन पे है सऊदी अरेबिया, जहाँ पे आप टी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा वीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बनाना तो एक्सपोर्ट ही कर सकते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज़ और, हमें आइडिया नहीं होता कि हमारे देश से कौन से प्रोडक्ट कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको टाइम टू टाइम ये जानकारी दें कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का बिज़नेस करना चाहते हैं, क्या वो प्रोडक्ट या फिर वो बिज़नेस आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लगातार आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें। चलिए बात करते हैं उसके बाद सेकेंड पोजिशन की, और सेकेंड पोजिशन पर है ओमान। दोस्तों अगर आप केले के अलावा अंडे में डील करते हैं, मीट में डील करते हैं, हनी में डील करते हैं, बटर में डील करते हैं, तो आपको ओमान भी एक बहुत अच्छा देश है आप लोगों के लिए, तो ओमान में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर वन पे कौन है। नंबर वन पोजीशन पे है यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे आप बनाना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आप कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैदा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 कंट्रीज जहां पे आप बनाना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। नॉलेज रखिए और जितना हो सके नॉलेज को बढ़ाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।